जय हिंद साथियों, एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर काफी ज्यादा व्यक्तियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, क्या एक और लिस्ट और आने वाली है, आएगी तो सेकंड लिस्ट कब तक आने वाली है, साथ ही फिजिकल यहां पर कब से शुरू होने वाला है, क्या फिजिकल शुरू होने के बाद में भी एसएससी की तरफ से सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है, आखिर सेकंड लिस्ट जारी है वो होगी या नहीं होगी, इसको लेकर दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस बार आपका जो फिजिकल कंडक्ट करवाने वाली नोडल एजेंसी किस को चुना गया, किस पैरामिलिट्री फोर्सेज को चुना गया है, आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो किस एजेंसी की साइड पे यहां पर आने वाले, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस बार भी दोस्तों आपका फिजिकल करवाने वाली, कंडक्ट करवाने वाली जो नोडल एजेंसी है उसे सीआरपीएफ को चुना है, क्योंकि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें तो सीआरपीएफ है, और हर बार दोस्तों एसएससी के थ्रू होने वाले जीडी कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट का फिजिकल से रिलेटेड सारा प्रोसेस है वो सीआरपीएफ की तरफ से ही करवाया जाता है। मतलब दोस्तों यहां पर आपके जो एडमिट कार्ड जारी होंगे सीआरपीएफ की साइड पर ही आपको देखने को मिलने वाले फिजिकल के एडमिट कार्ड, क्योंकि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सभी में जो फिजिकल कंडक्ट कराने वाली नोडल एजेंसी है वो सीआरपीएफ को यहां पर चुना गया। अब बात आती है दोस्तों सेकंड लिस्ट को लेकर, भाई बिल्कुल मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों सेकंड लिस्ट, क्योंकि 2018 में भी फिजिकल जो शुरू हो चुका था उसके बाद में सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, आखिर सेकंड लिस्ट जो जारी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब जारी हो सकती है, बिल्कुल मैं आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे दोस्तों सोशल मीडिया पर जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी, सेकंड लिस्ट जारी होगी, तो मैं आप सभी को सही जानकारी बता देता हूं सेकंड लिस्ट जारी होगी तो कब होगी, बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि 2018 में भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, उसके बाद में दोस्तों जितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी उनके 12 गुना कैंडिडेटों को और क्वालिफाई किया गया था फिजिकल के लिए, और यहीं पर आपको ऐसा 2021 में भी देखने को मिलेगा, अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी तभी आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है, अन्यथा आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अब दूसरी बात आती है क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है या नहीं होगी, तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया था एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसमें एक लाइन साफ-साफ लिखी हुई थी कि एसएससी वैकेंसी को इंक्रीज कर सकती है, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है, आपने देखा भी होगा 2018 की एसएससीजीडी कांस्टेबल में भी जब आपका फिजिकल शुरू हो चुका था, फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके, बहुत सारे बच्चों का फिजिकल भी हो गया था, उसके बाद में सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, और दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग 1 लाख के लगभग कैंडिडेटों के एडमिट कार्ड फिर से जारी किए गए और उन्हें फिर से फिजिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन ये वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में ही ऐसा संभव है, क्योंकि अभी आपकी जितनी वैकेंसी है उतने गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई कर दिया गया है, लेकिन आशा करते हैं आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता। उसके बाद में दोस्तों बात आती है यहां पे फिजिकल के एडमिट कार्ड आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं फिजिकल के एडमिट कार्ड इस बार एसएससी की साइड पे नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए जो कंडक्ट करवाने वाले नोडल एजेंसी है वो सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ की साइड पे ही आपको फिजिकल के एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाले, तो बिल्कुल दोस्तों अब कभी भी आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ ने पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है, अलग अलग लिस्टें बना दी गई कि इस सेंटर में इतने कैंडिडेट फिजिकल देंगे, क्योंकि फिजिकल आपका बीएसएफ आरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी के सभी सेंटरों में यहां पर होने वाला है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी।